हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल फिशर एपिसोड। मेरा नाम है रीप। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ वेबसाइट्स जिनके थ्रू हम लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट्स के अंदर अंदर, जिसके लिए हमें ना कोई स्किल्स की ज़रूरत है, ना कोई माइंड मैपिंग करनी है हमें उसके लिए, ना कोई थॉट प्रोसेस करना है, कुछ भी नहीं करना। बस हमें अपनी कंपनी का नेम एंड उसकी टैगलाइन, जो स्लोगन है, वो टाइप करना है। हमारे पास एक न्यू एंड यूनिक सा लोगो जनरेट होकर हमारे पास आ जाएगा। तो इसके लिए हम कुछ वेबसाइट्स देखने वाले। सो बिना वक्त जाए कि चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना गूगल क्रोम पेज ओपन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम पेज ओपन करने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट हमारे पास आएगी वो है विक्स लोगो मेकर। सो यहाँ पर इसके ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक स्किन केयर डन राइट का एक लोगो है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी यूनिक सा और अच्छा सा लोगो। सो यहाँ पर सबसे पहले सिंपली आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपल सा लेआउट, और यहाँ पर सबसे पहले आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक है कि हमने डिज़ाइन करना है लोगो खुद से डिज़ाइन करना है, और एक है हायर प्रोफेशनल डिज़ाइनर, यानी ये इसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप, वैसे तो दोनों के लिए ही आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर ये होगा कि हायर के अंदर ये होगा कि आपको, आप एक पर्सन को हायर करेंगे जो एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर होगा, उसके थ्रू आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी यूनिक सा जो किसी ने भी नहीं अभी तक डिज़ाइन किया हो। सो यहाँ पर हम ये सिंपल वाला ले लेते हैं, क्रिएट अ लोगो योरसेल्फ। तो यहाँ पर मैंने ये चूज़ कर लिया, तो क्रिएट अ लोगो के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने एंड हमारे पास न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें करना है सबसे पहले लॉगिन। तो यहाँ पर मैं अपने गूगल अकाउंट को, कोई सा भी गूगल अकाउंट, यहाँ पर से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी नया हुआ तो इस वजह से मैं यहाँ पर लॉगिन के ऊपर करूँगा। अगर आपका नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो लॉगिन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर अब सिंपली जो हमने करना है वो है अपनी कंपनी का नेम टाइप करना है। तो मेरी कंपनी का नेम, यहाँ पर मैं अपने चैनल का नेम टाइप कर दूंगा, फीचर ग्राफिक्स। सो फीचर ग्राफिक्स टाइप करने के बाद लेट्स गो के ऊपर आपने क्लिक करना है। लेट्स गो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने बताना है कि ये किस बारे में, ये कंपनी जो है वो किस बारे में, और लोगो हमें किस बारे में चाहिए, कौन सी कंपनी की जो इंडस्ट्री है वो क्या है आखिर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइन, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन स्टूडियो मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास आ गया हाउ शुड योर लोगो लुक एंड फील। सो यहाँ पर से हमने कुछ जो कैटेगरीज हैं वो सिलेक्ट करनी है। सो यहाँ पर मैं क्रिएटिव सिलेक्ट कर लेता हूँ, मॉडर्न एंड प्लेफुल। सो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपने बताना कि आप में आपको दो ऑप्शंस दी जाएंगी और दोनों में से कोई एक सा आपने लोगो चूज करना है। तो इस आपकी चॉइस के मुताबिक आपको फिर लोगो के जो डिज़ाइन हैं वो दिए जाएंगे। सो यहाँ पर मुझे जो ये वाला अच्छा लगा है, सो और ये वाला सिंपल सा बिल्कुल सही है एंड ये भी सही है एंड ये रॉकेट वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड द लास्ट वन यहाँ पर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, और हमारे लोगो डिज़ाइंस जो हैं वो काफ़ी सारे लोगो डिज़ाइंस हमारे पास आ जाएंगे, और उनमें से हमने कोई सा भी एक लोगो डिज़ाइन चूज़ करना है। सो ये काफ़ी आसान सी ट्रिक है, और इस पर आप काफ़ी आसानी से लोगो वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये वाला लोगो आ गया, ये वाला एक सिंपल सा लोगो है, यहाँ पर ये है एक टेक्स्ट, और ये वाला सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल से लोगोज हैं, यहाँ पर कोई इतना ख़ास नहीं है ये। तो यहाँ पर से आपने कोई सा भी एक लोगो सेलेक्ट कर लेना है। लोगो मैं फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। लोगो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर से इस लोगो को एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो कलर चेंज करने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड ये मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। सो इस तरह से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो ये इस वजह से, सो इस पे से हम इस तरह से विक्स के ऊपर लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। सो नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट आ जाती है वो है फाइवर लोगो मेकर। सो ये फाइवर की एक नई जो कैटेगरी है उन्होंने अपनी इंट्रोड्यूस करवाई है, फाइवर लोगो मेकर। सो यहाँ पर से आके आप अपना ब्रांड का नेम टाइप करते हैं और आपको आसानी से कोई सा भी एक लोगो डिज़ाइन होकर मिल जाता है। ये एग्जैक्टली सेम उसी
उसी तरह प्रोसेस होता है जिस तरह विक्स लोगो मेकर पे होता है। सो यहाँ पर भी एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं हम कि यहाँ पर किस तरह के लोगो मेरे पास आते हैं। सो मैं यहाँ पर फीचर ग्राफिक्स टाइप कर लेता हूँ। सो फीचर ग्राफिक्स टाइप कर दिया और मैंने मेक मेक योर लोगो के ऊपर क्लिक कर दिया। एंड हमारे पास स्लोगन अभी इस वक्त कोई भी नहीं है, तो स्लोगन मैं इस वक्त अभी नहीं, वैसे भी ये ऑप्शनल होती है, ज़रूरी नहीं है सिलेक्ट करना। सो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन आर्ट एंड डिज़ाइन, गेमिंग आर्ट और आर्ट एंड डिज़ाइन। सो यस, ये मैंने जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कैटेगरीज हैं, जो मेरे कंपनी से रिलेटेड है, चैनल से रिलेटेड है, वो मैंने सेलेक्ट कर ली है। सो यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर से सिलेक्ट करूँगा मुझे किस तरह का लोगो चाहिए। मॉडर्न चाहिए मुझे और प्रीमियम भी होना चाहिए, यानी हाई क्वालिटी का लोगो, हाई मॉडर्न, हाई प्रीमियम एंड थोड़ा सा फन हमें चाहिए। सो इस वजह से मैं इसको फन के ऊपर थोड़ा सा रख दूंगा और सिंपल हमें प्रॉपर सिंपल सा लोगो चाहिए। और इनोवेटिव और ट्रेडिशनल में मैं कुछ भी नहीं रहने दूंगा, इसको मैं न्यूट्रल रहने दूंगा। सो मेक माई लोगो के ऊपर क्लिक कर दूंगा मैं एंड यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसके ऊपर हमारे लोगोस की जो कैटेगरीज हैं और लोगोस के डिफरेंट डिज़ाइंस हैं वो हमें शो होना शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले साइन अप कर लेता हूँ। अगर आपने आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने साइन अप कर लेना, अगर नहीं है तो आपने लॉग इन करना है। सॉरी, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने लॉग इन करना है, अगर नहीं है तो साइन अप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है सिंपली। सो यहाँ पर मैं बैक के ऊपर जाऊँगा एंड सो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट लोगोस शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस लॉग इन प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जो डिफरेंट डिज़ाइंस थे वो हमारे पास शो होना शुरू हो गए। सो ये देख सकते हैं कि ये वाला काफ़ी अच्छा इन्होंने डिज़ाइन बना के मुझे दिया और भी काफ़ी, यस ये वाला काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मुझे लगा। सो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा एंड ये काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है वो स्टॉक डिज़ाइन है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिज़ाइन हमारे पास शो हो रहे हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी बहुत से अच्छे डिज़ाइन है, ये वाला भी अच्छा है, ये जो बल्ब वाला डिज़ाइन है, बल्ब एंड पेंसिल का कॉम्बिनेशन है, ये भी काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन है। सो यहाँ पर इसको यस, यहाँ पर हमारे पास इन्होंने डिफरेंट कलर कैटेगरीज भी हमारे पास दी हुई है, तो अगर मैं इसको ब्लैक रखना चाहता हूँ तो ब्लैक भी रख सकता हूँ, अगर मैं इसको ब्लू रखना चाहता हूँ तो ब्लू रख सकता हूँ। सो ब्लू कलर में ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ब्लू ही रहने दूँगा। सो आप इस तरह से यहाँ पर से लोगोस डिज़ाइन कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। सो ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, 5 मिनट के अंदर आपने बस अपना कंपनी का नेम टाइप करना है और इस तरह से आपको लोगो डिज़ाइन होकर मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है, वो है टेलर ब्रांड्स। सो यहाँ पर भी आपने आके सिंपली अपने लोगो का नेम टाइप करना है एंड उसकी स्लोगन वगैरह अगर आपके पास है तो वो टाइप करनी है। उसके बाद आपने अपनी ब्रांड की या कोई भी कंपनी की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और आपके पास इस तरह से लोगो के जो डिज़ाइन है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। सो इस तरह से आप करके आसानी से लोगोज वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट्स के अंदर अंदर। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो आज के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।